हो गए पूरे, हो गए पूरे, आओ जल्दी जल्दी कंप्लीट करो, कुछ पूछना नहीं है इंग्लिश में? ठीक है जाओ। अच्छा जी, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 समझा रहा हूँ, सिर्फ समझा रहा हूँ, मैंने हिंट बता दी है, एग्जांपल देके हिंट देके करोगे। बोला शो इट द पॉइंट दिस पी क्यू आर आर द वर्टेक्स ऑफ अ स्केलिंग ट्रायंगल। बोला पी क्यू आर तीन पॉइंट है, इससे ट्रायंगल बन रहा है लेकिन स्केलिंग ट्रायंगल बन रहा है, तब क्या करोगे? पी क्यू आर का ट्रायंगल तीन पॉइंट ले लोगे, पी क्यू आर करके पी क्यू आर, ठीक है, वो स्केलिंग ट्रायंगल बन रहा है। स्केलिंग ट्रायंगल मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड की लेंथ डिफरेंट होती है, तीनों साइड की लेंथ डिफरेंट होती है। अब तुमने पी ले लिया, क्यू ले लिया, आर ले लिया, ठीक है, पी से क्यू तक की जो लेंथ निकालोगे, क्यू से आर तक की लेंथ निकालोगे, और पी से आर तक की लेंथ, वो तीनों लेंथ क्या आएगी? डिफरेंट डिफरेंट आएगी। अगर डिफरेंट डिफरेंट लेंथ आ गई समझ जाना होगा स्केलिंग ट्रायंगल है, तो तुम्हारी लेंथ डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ पर डिफरेंट लेंथ आएगी। अगर सेम आ गई तो इसका मतलब तुमने किया गलत है, सेम नहीं आना, क्योंकि उसने बोल दिया स्केलिंग ट्रायंगल है, उससे तीनों लेंथें यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक लेंथें डिफरेंट आएंगी। समझ आ गई बात? ये क्वेश्चन 7 समझाया, अब 8 और 10 और 11 का मैंने हिंट दे दिए, उसी एग्जाम्पल में देखे उसके करके लेकर आओ, ठीक है। ये तो हो गया मैथ के चैप्टर तुम्हारा, 16.2 एक्सरसाइज तुम्हारी कंप्लीट हो गई।